नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाई तिमिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जिसे आप बिना टमाटर और बिना प्याज के आप बना सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही जल्दी बनने वाली एक रेसिपी है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम उड़द दाल, 250 ग्राम आलू, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल चिली पाउडर, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक, 5-6 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे धुली उड़द दाल लेंगे और उसका एक हम फाइन पाउडर इस तरीके से बना लेंगे, और ये हमारा पाउडर बिल्कुल फाइन होना चाहिए इस तरीके से। अब क्या करते हैं, हम आलू को छील लेते हैं। यहाँ पे हम मीडियम साइज़ के आलू ले रहे हैं, इनको आप छील लेंगे अच्छे से, और छीलने के बाद इसके हम स्लाइसेस कट करेंगे। और ये हमने आलू अच्छे से छील लिया है। अब यहाँ पे हम इसके दो पीस करेंगे बीच से, और इसके बाद हम इसके पतले पतले पीसेस इस तरीके से कट कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ये हम बना रहे हैं एक सब्ज़ी जिसे आप राइस या रोटी के साथ आप खा सकते हैं। और अब हम बनाना शुरू करते हैं। आलू को अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिएगा। मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे करीब 1 चम्मच, थोड़ी सी मैं हींग डाल रही हूँ, और साथ में इसमें हम उड़द दाल का जो हमने एक फाइन पाउडर बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से ये क्या कहते हैं तेल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे हम मीडियम आंच पर बराबर हम इसे भूनेंगे करीब 2-3 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो तेल इस तरीके से छोड़ने लगेगा और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। फिर इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, और हल्दी पाउडर डालने के बाद यहाँ पे करीब हम 1.5 कप पानी डालेंगे, क्योंकि उड़द की दाल क्या कहते हैं पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए हम पानी डालें क्योंकि हमें मसाले भी भूनने होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा पेस्ट टाइप का बन गया है। इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे, गरम मसाला, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर हम डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से मिक्स करने के बाद हमें इसे करीब 2-3 मिनट के लिए भूनना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से बिल्कुल भून जाए, और ऐसा मसाला भूनना चाहिए। और जब मसाला भून जाएगा तब इसमें हम कटे हुए आलू जो हमने कट किए थे वो हम इसमें डाल देंगे, और उसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और इसको मिक्स करने के बाद इसे हमें अच्छे से कलार लेना है ताकि जो आलू है वो हल्का सा पक जाए, और सब्ज़ी वैसे भी कलारने से अच्छी बनती है, जितना आप कलारोगे उतनी अच्छी बनेगी। और इसमें हम करीब 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं, और नमक डालकर हम इसे कलरने देंगे। और फिर इसके बाद हम 1.5 गिलास पानी डालकर इसमें हम सीटी लगा देंगे, करीब 2 सीटी लगाएंगे। और ये देखिए सीटी मैंने लगा दी थी, और कितने अच्छे से ये तैयार हो गई है, काफ़ी अच्छे से ये पक गई है, और जो दाल की ग्रेवी है वो कितनी अच्छी इसमें बनी है। और ऊपर से मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, अगर आप धनिया डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हो चुकी है रेडी, इसे मैंने सर्व कर लिया है। बताइए कैसी रेसिपी लगी, बिना प्याज और बिना टमाटर की, और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।